आपकी मनी एंड वेलकम टू कॉफी टाइम विद मनी, जहां हम आपको मिलवाते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज के साथ। तो आज हमारे स्टूडियो का टेम्परेचर थोड़ा हाई 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 हो रहा है। उसका रीजन है कि एक बहुत ही हैंडसम हंक मॉडल एंड एक्टर इज कमिंग ऑल द वे एंड हिज नेम इज मिस्टर एसाम अली। लेट्स वेलकम मिस्टर एसाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने इतना दिया, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you for taking time and coming on the show. So first of all, I would like to ask कि आप एक एक्टर हैं एंड आप एक मॉडल भी हैं, तो ये आई थिंक आपने जो करियर स्टार्ट किया था वो मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, तो कुछ बताइए आपकी जर्नी के बारे में। जी, मैंने स्टार्ट किया था आज से काफ़ी साल हो गए हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि 10 years above. सो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि यू हैव अ रियली गुड हाइट, गुड हेयर, गुड फेस, व्हाई डोंट यू वर्क एज ए मॉडल। सो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया उस दौरान, तो मुझे लगा कि ठीक है, फ्रेंड्स बोल रहे हैं। सो व्हेनेवर आई वाज लाइक गोइंग आउट एंड स्टफ, लाइक पीपल आर कंपेयरिंग मी विद लाइक सम एक्टर्स एंड स्टफ, यू नो, तो मेरे अंदर एक दिलचस्पी जाग गई थी कि मैं ठीक है, व्हाई नॉट, कि मैं क्यों ना अप्लाई करूँ एज ए मॉडल। सो मॉडलिंग मैंने अप्लाई की और इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू बी फ्रेंक, सीरियसली इट्स नॉट ईजी टू बींग अ मॉडल। और उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्ट्रगलिंग आपको करनी होती है। देखें, कोई भी काम अगर एज एन फेम आप जाओगे तो इट्स नॉट ईजी टू गेट दैट फेम, उस लेवल पर आप पहुंचना। तो मैंने भी वैसी काफ़ी हार्ड वर्किंग की हुई है। तो काफ़ी इनिशियल जो आपका फेज रहा वो काफ़ी हार्डशिप से भरा हुआ था, कहीं ना कहीं मैं अगर ये सही समझी हूँ तो। देखें, आप जितने भी अगर आप बड़े बड़े फेमस एक्टर्स उठा लें, सेलिब्रिटीज उठा लें, उनके पीछे काफ़ी हार्ड वर्किंग है, स्ट्रगलिंग है। आप शाहरुख खान से लेके नवाजुद्दीन देख लें। जी बिल्कुल, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ बड़े बड़े लेजेंडरी जो एक्टर्स हैं हमारे। सोया, तो अब आपका जो टर्निंग पॉइंट था, एक जो जहाँ से आपकी जिंदगी ने राइज करना शुरू किया, तो वो कौन सा पॉइंट था कि हाँ, जहाँ आपको लगा कि वाओ, नाउ आई गॉट थ्रू, आई गॉट अ वे। शुरू से बताऊँ जैसे कैसे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की है? ठीक है, मैं अपने जो मेरे चाहने वाले फैंस होंगे ऑफकोर्स देखना चाहेंगे कि मैंने कैसे स्टार्ट की। तो मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की कुछ इस तरीके से, आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि मैं किस तरीके से मॉडल बनूं। तो आई गॉट वन फ्रेंड एंड उसने मेरी हेल्प की, उसने कहा कि ये कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड उस कॉन्टैक्ट्स के बाद तो उसने मुझे सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे दिए, लेकिन अब उस कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है, कैसे यूज़ करना है, जी, बहुत हार्ड था। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने यह भी बताया कि यू नीड अ रियली हार्ड लाइक अ प्रोफाइल, अ पोर्टफोलियो, जो मॉडलिंग के लिए बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इट्स लाइक अ CV। इफ़ अगर आप जा रहे हैं किसी काम पे, आपको CV होती है, आपकी एजुकेशन होती है, जी, तो मॉडलिंग में यू नीड रियली गुड प्रोफाइल एंड गुड पोर्टफोलियो। वो उस वक्त मेरे पास थी नहीं, और उस दौरान सोशल नेटवर्किंग इतनी नहीं थी। मैं आज से बता रहा हूँ 2009-2008 की बात बता रहा हूँ, तो मैं इतना रियली आई वॉज नॉट इन टू सोशल नेटवर्किंग। लेकिन पूछताछ करके मैं इधर उधर मैंने पोर्टफोलियो बनाई अपनी स्ट्रगलिंग की। वो पोर्टफोलियो के बाद आई यूज टू हैव अ लॉन्ग हेयर, बहुत हार्ड था मेरे लिए कि अब काम कैसे मिले, अब पोर्टफोलियो तो बना लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वेट किया आई रजिस्टर विद एजेंसीज, लेकिन काम वो जैसा नहीं मिल रहा था कि मुझे मिलना चाहिए। बट मैं अपनी तरफ से तो समझ रहा था अपने आप को बहुत बड़ा हीरो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तक आप नहीं सोचोगे कि यू आर समथिंग, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं बहुत अब डीप नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ व्यूअर्स को। तो या एग्जैक्टली इट वाज योर जर्नी। फिर आपने एक खिताब भी जीता जो था मिस्टर दुबई का।
मिस्टर दुबई का आफ्टर जब मैंने 2011 में अपने हेयर्स व्हेन आई कट माय हेयर्स फाइनली, और उसके बाद मैंने एक नई पोर्टफोलियो बनाई, उसके बाद मैंने एक अरेबिक शूट की, उसकी वजह से मुझे बहुत काम मिला और मिस्टर दुबई भी जीता मैं. और मुझे लगा कि यू आर समथिंग नाउ, ठीक है. और अरबिक शूट्स में करता रहा, मुझे बाद में पता चला कि कुछ सालों बाद कि यू आर समथिंग. आई मीन हाउ यू हैव टू कैश योर सेल्फ इन इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज आई एम नॉट लिविंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया के ये लुक चल जाती है. तो उसके लिए आपको लाइक इन द मिडिल ईस्ट आपको एज एन अरब लुक्स में ज़्यादा काम मिलता है. तो मैंने उसी चीज़ को उठाया और उसी के साथ चलता गया, काफ़ी ब्रांड्स किए, बड़े बड़े ब्रांड्स किए, तो इस तरीके से चलता गया और आज तक चलता आ रहा हूँ मैं. कुछ नाम बताइए कौन कौन से ब्रांड्स के लिए आपने शूट किया है. अच्छा, ब्रांड्स तो मैंने अराउंड मोर देन 1000 ब्रांड्स किए हुए हैं. और बड़े बड़े ब्रांड्स में ये बता सकता हूँ, जॉर्ज आर्मानी से लेके डॉल्चे गबाना परफ्यूम्स के लिए मैंने किए हैं, अरबिक परफ्यूम्स के जो अभी लॉन्च हुई थी, निसान पेट्रोल से लेके स्प्लैश, ईमैक्स इलेक्ट्रॉनिक, जिलेट, नीविया और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं. अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो सुबह हो जाएगी. मैंने भी बहुत सारे आपके बिलबोर्ड्स देखे हैं. स्टिल अभी मैं आ रही थी, मैं केयरफुल शॉपिंग करने गई थी, स्टिल आई सॉ योर वन किंदरवन. वेरी यस 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 एग्जैक्टली, क्योंकि केयरफुल में अभी जो हाँ वो चल रहा है. सो इट्स ऑन एयर लाइक एवरीवेयर, लाइक माय फैमिली फ्रेंड्स एवरीवन इज गोइंग लाइक दी कैन लाइक सी यू इन द इसाम इज अ हम इज अ स्टड फॉर एवरीवन. एक्चुअल हु इज इसाम, मतलब क्या है आपकी पर्सनैलिटी, क्या है एग्जैक्ट, कैसे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में? सो इसाम इज अ गुड मॉडल, ही इज अ गुड एक्टर एंड ही इज अ गुड ह्यूमन ऑफ कोर्स. आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू योर होम आई सॉ वेरी नाइस पेंटिंग्स ऑफ यू. So I think somewhere you have that hidden talent also. Well, मैं स्कूल के टाइम से स्केचेस वगैरह करता रहता था, मुझे बहुत शौक था. मिकी माउस से टॉम एंड जेरी चीज़ें बनाता रहूँ और मुझे ये मेरा शौक बढ़ता गया. सो मैंने एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं जी. तो एक आर्ट गैलरी में मैं गया अपनी कुछ ड्राइंग बुक्स लेके. तो उस बंदे को मैंने कहा कि मुझे आर्ट सीखना है, मुझे पेंटिंग सीखनी है, तो ये मेरी बुक्स हैं. अब मेरी तरफ से तो मैं तो बहुत ही लाइक अमेजिंग एक आर्टिस्ट था कि मैं मिकी माउस से लेके ओसामा बिन लादेन भी बना रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ. मैं बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट ये चीज़ें मेरी स्केचेस वगैरह हमेशा डीप थॉट में मैं जाता था. तो मेरे लिए इट वॉज लाइक, तो उस बंदे ने कहा कि ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, सॉरी इट वॉज अमेजिंग, बहुत सारी अमेजिंग आर्टिस्ट स्केचेस उसने की हुई थी. तो आई वॉज लाइक ओके, ही सेड हाउ ओल्ड आई लुक, ही वॉज एन इटालियन गाय. तो मैंने कहा कि मैं भी 29-30. कहते हैं आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, ठीक है. एंड बोलते हैं कि जो ये आप बना रहे हो ये मैं अपना रफ भी नहीं बनाता हूँ. He just embarrassed me. मुझे समझ में नहीं आया कि यार इस बंदे ने मुझे क्या बोला. मैं तो यहाँ पर अपने ड्राइंग बुक्स लेकर आया था कि कुछ सीखने के लिए, लेकिन उस बंदे ने मेरे ऊपर कुछ और कहानी डाल दी. लेकिन आई रियलाइज्ड आफ्टर एजेस आफ्टर ईयर्स कि उस बंदे ने ऐसा क्यों बोला. अगर उस दिन वो बोल देता था कि यार यू आर अमेजिंग, तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं बनता था, ठीक है. उसने मुझे कुछ सिखाया नहीं, वो कह रहा है कि मैं ट्रेनिंग नहीं देता, सिखाता नहीं हूँ, ये मेरी आर्ट गैलरी है, तुम आ गए हो, मोस्ट वेलकम, यू कैन लुक अराउंड एंड दैट्स इट. तो फॉर मी मैंने रियलाइज किया कि यार जब वो बंदा अपना रफ भी नहीं बनाता है तो मैं ये क्यों बनाऊं. तो मैंने अपने आप को और डेवलपमेंट किया, चीज़ें चेंजेस एंड स्टाफ यू नो. लेकिन सोशल नेटवर्किंग जब आई, जब इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आई, चीज़ें आई, तो मैंने ये चीज़ें बंद कर दी. अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि हम बचपन में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे या गुल्ली डंडा खेलते थे, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई, ठीक है. हम तो वो नहीं खेलते, हम तो 24 घंटे फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, टिकटॉक यू नो, तो आजकल जो फेमस है, तो इन चीज़ों के अंदर हैं हम.
तो हमारी जो हिडन टैलेंट होती है, जो हमारी चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे कि आपने आप पेंटर हैं, जैसे कि आप जिमनास्टिक हैं, जैसे कि आप कराटे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं करते हैं लोग, वो सिर्फ मोबाइल के अंदर। तो मेरी एक नसीहत है आजकल के नौजवानों के लिए कि आप लोगों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को चीज़ें दी हुई है, उस चीज़ को आप यूज़ करें, ठीक है, अपने अंदर से वो चीज़ को निकालें, मोबाइल्स सोशल नेटवर्किंग से आप लोग निकलें, फिर आपको रियली पता चलेगा। हर एक इंसान के अंदर देखें एक टैलेंट होता है, जिस दिन आपको पता चल गया कि वो टैलेंट क्या है, उस दिन फिर आप हैं और कोई भी नहीं। तो बी फ्रेंक, तो मॉडलिंग में तो मैंने आपको बहुत ही देखा है, रिसेंटली आपने एक्टिंग भी स्टार्ट करी है। देखें, एक्टिंग मैंने जब स्टार्ट की आज से लाइक फ्यू इयर्स बैक, टू टू थ्री इयर्स बैक, मुझे एक अच्छी ऑफर आई, और मैं हमेशा चाहता था कि 3 से 4 साल पहले ही मुझे ये चीज़ें आ जाएं, लेकिन दुबई के अंदर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। यहाँ पर अच्छा भी बोलूँगा बुरा भी बोलूँगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे कि यू नेवर नो, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, एक द टाइगर जो 2 की हुई है, जो विलन है सज्जाद दिलफरोज, वो ही इज़ अ विलन एंड ही वॉज अ मॉडल इन दुबई एंड ही वॉज वर्किंग, वी हैव डन अ लॉट्स ऑफ टीवी कमर्शियल्स, फोटोशूट्स एंड स्टफ, यू नो। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ भी मिल सकती है और आप बहुत सारी चीज़ें भी नहीं मिल सकती है, तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे आपने कहा कि चीज़ें मिल सकती हैं, तो क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो आज इतना प्रोएक्टिव है, वो अभी जो यूथ है उनके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई है, क्योंकि आजकल के दौर में टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है एंड मोबाइल कैमरेज हैं, प्रोफेशनल, आपको कैमरे की भी, एक्सपेंसिव कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने यू नो जस्ट कैमरा ले लिया और स्टार्ट कर ली फोटोग्राफी, सेल्फी ले ली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि फेम होने के लिए, तो आप फेमस कहीं से भी हो सकते हैं। जी, तो अभी जो हिसाम मैं देख रही हूँ और जो हिसाम मैंने सुना है उसमें कुछ फ़र्क है, आई शुड नॉट से दैट, बट आई हैव हर्ड कि यू हैव वेरी डिफिकल्ट एटीट्यूड एंड यू नो वेरी एरोगेंट। देखें, आई एम रियली हैप्पी दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज काफ़ी लोगों ने यही शिकायत की है कि मेरे अंदर बहुत सारी एटीट्यूड है, मेरे अंदर सीरियसली टू बी फ्रैंक बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, कोई ऐसा लाइक थोड़ा सा होता है ना, लाइक 10%, वो भी नहीं है सीरियसली, क्योंकि यार मेरे पास लाइक अननोन पर्सन आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर लोग मुझे ऐड करते हैं, आई वांट टू बी अ मॉडल इस्लाम, कैन यू प्लीज हेल्प मी, मैं उनको अपने सारे कॉन्टेक्ट रख देता हूँ और मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि जस्ट गिव माई रेफरेंस टू दैम, मैं इतना अच्छा हूँ, ये नहीं कि मैं टीवी के सामने ये चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर आप जाएंगी मेरे फ्रेंड्स से पूछें, मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, आप लोगों को हर जगह से यही जवाब मिलना है। आई मीन क्योंकि एटीट्यूड, देखें अल्लाह ताला ने हमारे जैसे कितने बनाए, मिट्टी से बनाए और मिट्टी में मिल गए, ठीक है। गुरूर तब करें जब आपको पता है कि मैंने बूढ़ा नहीं होना, मेरे चेहरे पर रिंकल्स नहीं आनी, ठीक है, तब आप अपना गुरूर स्टार्ट कर दें। गुरूर किस चीज़ का, जब आपको पता है कि आपको चले जाना है, वी आर जस्ट टेम्पररी ही। वाओ, दैट इज सुपर्ब, बिकॉज व्हेन आई सी दीज काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हिच यू हैव, कि आप इतने फेमस एक सक्सेसफुल मॉडल हैं और उसके बाद भी यू थिंक सच डाउन टू अर्थ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Of course. Thank you. And I would like to say here कि वो सब rumors हैं, please don't spread rumor about yourself. So is on what you know, क्या fascinate करता है आपको? Rumors जब आते हैं तब आप किसी मुकाम में पहुँचते हैं, ठीक है, ये तो है। Haters जब पैदा होते हैं, जब आप किसी अच्छी मुकाम में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जब आप कुछ भी नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं पूछता कि आप who you are, ठीक है, जब आप एक लेवल पे जाते हैं, जब आप कुछ बनते हैं, तब वो रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं और हेटर्स दी टॉक अबाउट बैक बाइटिंग एंड स्टफ। सो एनीवे, आई बिलीव के ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने हेटर्स के भी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, so और अल्लाह उनको हिदायत दे। थैंक यू।
बिल्कुल, आफ्टर नोइंग हिम आई लाइक आई कैन से ही इज़ अ वेरी स्वीट, वेरी नाइस पर्सन एंड अ वेरी गुड फ्रेंड एट ऑल. इसके बाद लेट्स डू सम फन सेशन. श्योर. ओके, अ डेट, अ ब्लाइंड डेट, व्हाट्स योर टेक? वेल, व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई ऑलवेज वांटेड टू डेट विद एंजेलिना जोली. रियली? या. सो नाउ आई डोंट बिलीव के ये चीज़ें, मतलब जब आप छोटे होते हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती कि यार मैंने कैटरीना कैफ के साथ डेट कर लेनी है, एंजेलिना जोली के साथ डेट करनी है, प्लीज़ ये वो वगैरह, बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं. जब आप एक एज में आते हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप अपने ऊपर काम करते हैं और अपने साथ चलते हैं, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं आई थिंक. तो ना अभी आप इतने शूट्स करते हैं जी, काफ़ी कई बार इंटेंस शूट्स भी करते हैं आप ऑफ कोर्स, तो उसमें कभी ऐसा कुछ? व्हेन आई एम शूटिंग आई एम जस्ट अ मॉडल एंड आई एम कम्प्लीटली विद माय थॉट्स. तो कभी मुझे हस्बैंड बनता हूँ, कभी बाज़ औक़ात हस्बैंड ही बनता हूँ क्योंकि ये मिडिल ईस्ट है एंड बहुत अच्छे शूट्स होते हैं. आई एम रियली हैप्पी यहाँ पर क्योंकि कुछ वोल्गर टाइप शूट्स नहीं होते हैं. एक अरब कंट्री के अंदर मैं रह के शूट्स कर रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी. यहाँ पर लड़के भी सेफ है. बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है ना कि कहते हैं कि मॉडल्स ऐसे हैं, मॉडल्स वैसे हैं, मॉडल्स वी हैव टू डू दिस एंड दैट ये वो, बट यहाँ पर इन अरब कंट्रीज़ में, दुबई में, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं. आई मीन बहुत साफ सुथरी सोसाइटी है टू बी फ्रैंक, दिस इज व्हाट आई कैन से. सो दैट्स व्हाई जो आप लोग देख रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं मॉडल एज एन मॉडल एंड स्टफ, यू नो, सो आई थिंक दुबई इज़ अ बिगेस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई कैन से. व्हाट मैटर्स फॉर यू, मनी और फेम? वेल, मनी इज मैटर बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से. तो मनी इज मोर इम्पोर्टेंट. और जब आपको पता है कि आपके पास पैसे हैं तो फिर फेम भी आ जाती है. अच्छा, क्रेजीएस्ट मोमेंट कौन सा था आपकी लाइफ का, सबसे की वाइल्ड मोमेंट? वाइल्ड मोमेंट मैंने अपने शूट्स पर दिए हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और बहुत हार्ड वर्किंग की है. जैसे कि क्या कहते हैं उसको, डबल स्प्लिट पर्सनालिटीज ठीक है. तो इस तरीके से मैंने लाइक क्रेजी मोमेंट्स किए हुए हैं अपने शूट्स पर, डेंजरस टाइप ऑफ आई मीन बाइकिंग, स्विमिंग डीप. सो आई बिलीव कि मैंने लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स एडवेंचर. लाइक इफ यू गो विद माय मॉडलिंग करियर तो आपको यू फाइंड सम, यू एक्सप्लोर अ न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, न्यू थिंग्स. सो दैट्स अ डिफरेंट मोमेंट. सो यू आर वेरी एडवेंचरस आल्सो, राइट? आई लव माय वर्क एंड आई एम रियली पैशनेट. So that's I believe. कभी कुछ नया ट्राई करने का सोचा है कि कभी एक्टिंग का चांस मिले तो ठीक है, कुछ डिफरेंट? देखें, एक्टिंग मुझे ऑफर आई थी, शायद मैंने उस टाइम पे बताई नहीं. आई वाज डूइंग अ पाकिस्तानी मूवी, इट्स कॉल्ड रंगबाज एंड ऑलमोस्ट 90% आई कंप्लीटेड दैट मूवी एंड आई वाज प्लेइंग एज अ लीड. और मेरे दो कैरेक्टर्स थे बाय द वे, एंड मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों नेगेटिव कैरेक्टर्स. ये भी नहीं है कि मैं मेरा कोई जुड़वा भाई है एंड स्टफ. मैं स्टोरी तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस मूवी को जरूर देखें. बिल्कुल, हम जरूर, ठीक है. लेकिन यू नो, COVID-19 की वजह से चीज़ें रुक गई. तो 3 months वी जस्ट नॉट फिनिश दैट शूट, बट इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों के सामने मैं एक बड़े स्क्रीन पे आऊँ. बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट ऑफ कोर्स. थैंक यू. तो मैंने आपके कुछ ग्लिम्स देखे हैं, वैसे आपने अभी शायद टिकटॉक भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैंने कुछ ग्लिम्स ऑफ एक्टिंग मैंने देखा है उसमें. तो हाउ डू यू फील लाइक? टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपको ईजिली फेम मिल जाती है, ठीक है. आपने अपनी लाइफ में 15 years, 20 years एक्टिंग की, वहाँ उस मुकाम पे पहुँचे, अगर आपने टिकटॉक के अंदर एक वीडियो बना ली, वो पता नहीं मिलियंस बिलियंस लाइक्स आ जाते हैं. तो आई बिलीव के टिकटॉक इज़ अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको अच्छी
आराम से फैम मिल सकती है. सो दैट आई बिलीव. तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि इसाम यू आर गुड लुकिंग. मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, खैर एनीवे फिर भी मैं कर रहा हूँ. इसाम यू आर गुड लुकिंग एंड यू हैव रियली गुड स्किल्स एक्टिंग, सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन टिकटॉक. तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दिस ऐप. सो लास्ट ईयर आई जस्ट मैंने डाउनलोड किया और उसके बाद अभी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो रहे हैं मेरे. पीपल दी लाइक्स माई एक्टिंग. सो ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का. एग्जैक्टली या तो ये हो गए आपके एक्टिंग स्किल्स कर लिया, पेंटिंग कर लिया. मैंने सुना है कि एग्जाम के अंदर एक सिंगर भी छिपा हुआ है, मतलब कुछ छोड़ा है आपने कि सब कुछ अपने अंदर भर लिया है? देखिए सिंगिंग मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो सिंगिंग करते रहते हैं हमेशा जब भी मेरे घर पे आते हैं और प्रोफेशनल सिंगर्स हैं. ठीक है, तो आई मीन उनके साथ बैठते बैठते मुझे शौक हो गया कि यार बंदा, चलो कभी कभी बंदा इंसान गुनगुना देता है. आई एम अ बाथरूम सिंगर. मैं ये ऐसी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अच्छा सिंगर हूँ, बट या यू आर अ सिंगर. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन है जो हमेशा मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि जब भी शाम आए प्लीज पूछना उनके जो फिटनेस का राज क्या है, जो उनके एट पैक्स एब्स जो दिखते हैं, जो जिसे लड़कियाँ बहुत फैसिनेट होती हैं ऑफकोर्स, तो उसका राज क्या है? देखें फिटनेस के बारे में मैं हमेशा यही बोलूँगा, यू नीड अ रियली गुड फूड, हेल्दी फूड. ठीक है, टू आवर्स वर्कआउट. ठीक है, डेली एंड अ गुड स्लीप. वेरी गुड. तो ये तीन चीज़ें मैं आपको बोलूँगा. डेली आपको वर्कआउट करना है. तो मैं पास्ट व्हेन आई वाज 16 टू 17 इयर्स ओल्ड, सो आई स्टार्टेड माय वर्कआउट. सो अभी तक कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं. मैं इसमें से सिर्फ एक चीज कर सकती हूँ, 2 आवर्स स्लीप. और 2 आवर्स 2 आवर्स नहीं हो सकता प्लीज. यू रियली नीड लाइक एटलीस्ट 6 आवर्स. या दैट आई कैन डू, आई थिंक आई कैन डू बेटर स्लीपिंग. बाकी वर्कआउट एंड ऑल पता नहीं मुझे. दैट आई कैन वर्कआउट. और मैं सीरियसली, इट इज वेरी नाइस टिप. और मैं सीरियसली, मैं अपने मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, मेरी सर्कल बहुत छोटी है, चंद ही दोस्त हैं, और मैं हमेशा अपने दोस्तों को सिर्फ यही बात बताता रहता हूँ कि अपनी वर्कआउट नहीं छोड़नी है. देखें आपकी हेल्थ है तो आप हैं, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप नहीं. बिल्कुल. सो ये मैंने एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात बोल दी है. बहुत गहरी. अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है. दैट्स इट. ऐसे बॉडी चाहिए तो प्लीज वही फॉलो करिए जो इसाम बोल रहे हैं अभी. समझ आई. थैंक यू सो मच इसाम, आपने इतना अमेजिंग टाइम हमारे साथ. दैट्स माय प्लेजर टू बी हियर. सीरियसली आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन माय शो. इट वाज अ मच अवेटेड एपिसोड जो हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. तो ये था हमारे अडोरेबल असाम, जिनको आपने सुना और बहुत कुछ जाना उनकी लाइफ के बारे में, उनके सीक्रेट्स को. तो आज उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप पे कभी गुरूर नहीं करना चाहिए. आपकी नज़रें हमेशा ऊपर होनी चाहिए पर कदम हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए. ऐसे ही मोस्ट एक्साइटिंग इंटरव्यूज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए. डू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब न्यूज़ टाइम HTTV. डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अस ऑन फेसबुक. थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉफी टाइम विद मनी.